नमस्कार साथियों, GLCIS में आपका स्वागत अभिनंदन। निश्चित रूप से आप सभी लोग कहना के कट ऑफ को लेकर संशय में होंगे, और ऐसा नहीं कि इससे पहले मैंने कट ऑफ पे वीडियो नहीं बनाए, लेकिन क्योंकि जैसे जैसे दिन गुजरता है कहीं ना कहीं नई संभावनाएं दिमाग में बार बार आती रहती है। विद्यार्थियों के बार बार मैसेज आते हैं, डेली लगभग 400-500 से ज़्यादा अधिक मैसेज देते हैं जिनका जवाब देना होता है। बार बार उत्पादन उत्थान क्या परिवर्तन आ सकते हैं, आंसर की में क्या हो सकते हैं, ऑब्जेक्शन आए हैं, लगभग 11 प्रश्न जिन पे आपत्तियां ली गई है, उनमें से ऐसा संभावित लगता है कि 5 आपत्तियां हैं जो स्वीकार की जा सकती है। उसमें से 3 प्रश्न ऐसे हो सकते हैं, 3 प्रश्न जिनमें 2 आंसर हो सकते हैं, बाकी और कुछ चीज़ें जो भी संभावनाएँ हैं। तो इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए क्या कट ऑफ में अंतर आ सकता है, इस ज़बरदस्त वीडियो में आप सभी लोग एक संभावित कट ऑफ का नज़रिया देखेंगे कि क्या एक संभावित कट ऑफ जो है वो हो सकती है, और लगभग सारी कैटेगरी को कवर करने का मैंने प्रयास किया है कि हर कैटेगरी का जो है वो कवर आपको करना है। उसके साथ ही देखिए, मुझे पता है वैसे तो ऐसी बातें विद्यार्थी सुनना कम पसंद करते हैं, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, कट ऑफ की जानकारी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ ही आप मेंस की तैयारी भी शुरू कर दीजिएगा, ये बहुत बढ़िया रहेगा। सबसे पहले अगर अपन देखते हैं VHOH जो ये जो कैटेगरी है, इन चारों कैटेगरी में कट ऑफ हमेशा बहुत अलग अलग रहती है। OH में लगभग 50-55 तक जाती है। इस बार पेपर के स्तर को देखते हुए नीचे में कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा सकती है। 55 से 63 प्रश्न जिस विद्यार्थी के सही हैं वो विद्यार्थी लगभग सफलता के दायरे में है, ठीक है। अलग अलग कैटेगरी में 55 से 63 के वेरिएशन में इस कैटेगरी के अंदर कट ऑफ जा सकता है। अगर नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें अपन, तो नेक्स्ट कैटेगरी पर अपन बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की जो कैटेगरी है, इस कैटेगरी में जहाँ तक मुझे लगता है कि इस बार थोड़ा सा कट ऑफ खींच के आ सकता है। इस कैटेगरी में 57 से 62 क्वेश्चन या इससे थोड़ा ऊपर भी कट ऑफ रह सकता है, क्योंकि पिछले 3 वर्षों में, विगत वर्षों में क्या हुआ है कि इस क्षेत्र में कट ऑफ लगातार बढ़ता रहा है, जागरूकता भी बढ़ी है, कोचिंग पर भी विद्यार्थी आने लगे हैं, तो इस कैटेगरी में कट ऑफ थोड़ा सा उच्च रह सकता है। अगर आप लोग अगर मेंस की तैयारी अभी नहीं कर रहे हैं, आपका समय उसमें नहीं दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप ये गलती कर रहे हैं। केवल मात्र 700 रुपये का ये रामबाण कोर्स जिसमें आपको क्वेश्चन बैंक मिलता है, आप अभी से मेंस के क्वेश्चन की आंसर प्रैक्टिस करना शुरू करें। अबाउट 70% क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पे मॉडल आंसर में दिए हुए हैं। ये एक बहुत ज़रूरी कोर्स है अगर आप मेंस की तैयारी में लग रहे हैं। ये GLCIS MPPSC ऐप डाउनलोड करने पर ये कोर्स आपको मिल जाएगा। इसके बाद अपन देखते हैं ST कैटेगरी में, तो जैसा हम लोगों को पता है कि भाई पिछली बार जो है 2021 में जो कट ऑफ है वो महिला और पुरुषों का, मेल और फीमेल का एक ही आया था, तो ऐसा क्या कारण रहा कि सबका जो कट ऑफ है वो एक ही आया था? उसका रीज़न है कि जब पेपर सरल होता है तो उतना ज़्यादा अंतर दोनों के स्कोर में होता नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये जो कट ऑफ है 65 से 68 सबसे अपर लिमिट हो गई है, क्योंकि इससे ऊपर कट ऑफ जो है इस कैटेगरी में जाना बहुत मुश्किल है। फिर भी अगर कुछ ऐसा होता तो हो सकता है कि कुछ मार्जिन बचे, बाकी 65 से 68 इस कैटेगरी में एक सेफ स्कोर लगता है। मुझे लगता है ST फीमेल के अंदर जो है 64-65 तक भी पूरी संभावनाएं बनती है। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो लक्ष्य बैच जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त बैच है 2022 के लिए। इस बैच में आप वीडियो लेक्चर रिकॉर्डेड, सेल प्रैक्टिस सेट्स, ठीक है, और जो टेस्ट हैं मेंस के लगभग 50 से अधिक टेस्टों की वीडियो एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे आप प्राप्त करेंगे, जो आपको हमेशा मेंस के लिए बेहतर रूप से तैयार करेंगे। देखिए, इसी के साथ क्या है कि विज्ञापन दिया जा सकता है, बाकी विद्यार्थी क्या है कि केवल विज्ञापन के वीडियो के व्यूज़ नहीं होते हैं, ज़रूरी है बच्चों की जानकारी देना। EWS जो है इसमें अगर अपन कट ऑफ देखते हैं तो वैसे तो इस कैटेगरी में क्या है कि OBC के लगभग जो कट ऑफ है वही कट ऑफ रहने वाली आवश्यकता लगता है। वैसे इस कैटेगरी में कट ऑफ जो है सबसे ज़्यादा ऊपर नीचे करता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो किसी भी स्तर में ऊपर नीचे कहीं पे भी जा सकता है। बहुत ज़्यादा संभावना है कि कट ऑफ 74, 75, 76 इसके आसपास की रेंज में रहें। अगर किसी कारणवश अगर जैसे स्कोर अगर रहता है, क्वेश्चन कम ज़्यादा कुछ होते हैं, लेकिन 72 से होपफुल स्कोर जो है स्टार्ट हो जाता है। जो लोअर लिमिट ली है वो मैंने फीमेल के हिसाब से ली है, अपर लिमिट ली है वो मेल के हिसाब से ली है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि 72 से 75 का जो एक दायरा है उस दायरे में कट ऑफ कहीं ना कहीं अपने को नज़र आ सकता है। SC का कट ऑफ अगर अपन बात करें तो SC का जो कट ऑफ है वो 69 से लेकर 71 के बीच में रह सकता है, ठीक है। अगर फीमेल और मेल की कट ऑफ अगर आती अलग अलग आती है तो फीमेल में एक आधा नंबर इससे वो नीचे जा सकता है, मेल का कट ऑफ लगभग लगभग इसी दायरे में कहीं ना कहीं अपने को देखने को मिल सकता है।
ओबीसी की अपन बात करें तो चूंकि हमें पता है कि हमारे दो प्रकार की लिस्ट बनेगी, एक 87% की मुख्य भाग और एक जो बनेगी अपने 13% का दूसरा भाग। तो ओबीसी मुख्य भाग की जो कट ऑफ है वो 73 से 75 के आसपास तक हो सकती है, 74-75 भी जा सकती है। लेकिन ये इस तरह से सेट किए कि फीमेल की लगभग 73 तक अगर अलग अलग आती है, और अगर इतने ज़्यादा हम बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है तो कट ऑफ तो फिर बढ़ना ही है। बाकी मेल में मेन लिस्ट में 75 तक एक सेफ स्कोर मुझे नज़र आता है लगभग। ओबीसी 13% वाली जो लिस्ट आती है, इस लिस्ट का जो आंकड़ा है वो 71 से 73 के बीच में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है कि जो प्रावधिक सूची है उसमें आ सकता है। प्रावधिक सूची में भी आपका नाम आता है तो आपको मुख्य परीक्षा में जी जान लगा के तैयारी करनी है। इसका रीज़न ये है कि लॉटरी किसके हाथ लगेगी अभी कुछ तय नहीं है, सब चीज़ों पर संशय है। ये ओबीसी का कट ऑफ हो गया। अब जनरल का कट ऑफ देख लेते हैं। जनरल का जो कट ऑफ है, देखिए 87% वाली जो लिस्ट है इसका जो कट ऑफ है 75 से 77 लगभग रह सकता है। अपर लिमिट 77-78 तक छू सकती है, लोअर लिमिट 75 तोड़ना थोड़ा मुश्किल नज़र आता है। 13% वाली जो लिस्ट है उसके अंदर 72 से 74 का जो आंकड़ा है वो देखने को मिल सकता है। फीमेल की अगर अलग से बनती तो 72-73 तक आ सकती है, मेल की 74 तक आ सकती है। इसके साथ ही साथ देखो कट ऑफ का आइडिया आपने लगाया है, इससे एक दो नंबर अगर आपके कम भी है ज़्यादा भी है तो भी आप ये ध्यान में रखिए कि संतुलन जो है प्रश्नों में, जो क्योंकि अब जो नंबर है वो आपके स्कोर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि दो दो आंसर माने जाएंगे तो कुछ नंबर आपके बढ़ सकते हैं, तो वो एक आइडियोलॉजी भी आप अपने स्कोर के साथ जोड़कर चले। संभावनाएं बहुत ज़्यादा है मेंस लिखने की, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे मेंस लिखेंगे। पेपर की सरलता होने से समान अंकों के आधार पर अधिकतम बच्चों को मुझे लगता है कि मेंस देने का मौका मिलेगा। उसके साथ ही कॉम्पिटिशन लो था, ये सब ऐसे कारण रहेंगे जो कहीं ना कहीं आपकी जो कट ऑफ है उसको नीचे रखने का प्रयास करेंगे। साथ ही देखिए मेंस में वही प्राप्त करता है जो प्री का पेपर होने के कुछ दिन बाद ही मेंस की तैयारी में अच्छे से जुड़ जाता है। आप GLCIS MPPSC ऐप ज़रूर डाउनलोड करें, वहाँ पे आपको जो कोर्स अच्छा लगा उस कोर्स को परचेज करें। मेरा अभी ये मानना है कि मेंस की टेस्ट सीरीज अभी से नहीं शुरू करनी चाहिए 2022 के हिसाब से। 1-1.5-2 महीने आप कंटेंट पढ़ें, उसके लिए आप लक्ष्य बैच, प्रारंभ बैच, जो बैच आपको बढ़िया लगता है वो बैच आप लोग ले सकते हैं। और जो मेरा ये रामबाण कोर्स है, ये कोर्स आप सभी को निश्चित रूप से लेना चाहिए। इसमें आपका पेपर 1 से लेकर पेपर 6 तक का पूरा क्वेश्चन बैंक 1989 से लेकर 2020-2019 रीमेंस तक जो प्रश्न आए एग्जाम में उनको इसमें रखा गया है, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज। उसके साथ ही 70% अबव प्रश्नों के उत्तर लिखे गए, और ये इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में है, इसलिए ये एक बेहतरीन कोर्स है। इस कोर्स को आप अपने पास रखें, ये निश्चित रूप से आपको मेंस में बेहतरीन तरीके से तैयार पूरी तरह से करेगा। GLCIS पे आप नए हैं तो निश्चित रूप से आप इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, MPPSC के लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है। GLCIS MPPSC ऐप आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो ये ऐप आपको MPPSC में पूरी तरह से मार्गदर्शन देने में सक्षम है, साथ ही आपकी यात्रा को बहुत सरल बना देता है। तो ये ऐप आप अपने मोबाइल में ज़रूर रखें। फ्री स्टडी मटेरियल से लाभ ले रहे हैं आप पेड कोर्सेज से जाके अपनी तैयारी शुरू करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।